चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय खेल दिवस सप्ताह को लेकर चैतन्य भारत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में देश में 26 से 31 अगस्त तक खेल सप्ताह है माना जा रहा है, जिसमें कई प्रकार के खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत चैतन्य भारत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी स्टेडियम से अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर सीनियर व जूनियर छात्रों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला प्रशासन क्रीडा भारती में क्रीडा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है, और पूरे भारत के लिए और विश्व में उन्होंने हॉकी के जादूगर के रूप में कई गोल्ड दिलाए, और खेल में जो भारत है, भारत का झंडा फहराया, और अब जो खेल दिवस मनाया जाता है उनकी याद में, इसके बाद ये दौड़ यही समाप्त होगी। उसमें सिर्फ मेजर ध्यानचंद ही नहीं, उनके अलावा समस्त जितने भी खेल हैं, उन खेलों के प्रति जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिबद्धता है उनको दर्शाया जाता है, और महान खिलाड़ी हैं हिंदुस्तान के, उन सभी को याद किया जाता है और सभी की उपलब्धियों को याद किया जाता है। और आज के दिन हम सभी को यह स्मरण करने का दिन है कि खेलों को किस प्रकार से हमें बढ़ावा देना है, युवाओं को खेलों की तरफ मोड़ना है। खेलों से हमें एक टीम भावना देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है, चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और संघर्ष किस प्रकार से होता है, लक्ष्य की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, और अनुशासन भी खेल हमें सिखाता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और केंद्र सरकार और राष्ट्र सरकार का प्रयास है कि खेल दिवस के इस अवसर पर कुछ दिवसों तक खेलों के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएं और खिलाड़ियों को उसमें पार्टिसिपेट करवाया जाए, आम जनता को उसमें जोड़ा जाए, ताकि अनुशासन और संघर्ष और चुनौतियां और जो फिट इंडिया का जो सपना है और स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क वाला जो सपना है, हिंदुस्तान की जो परिकल्पना है, वो सभी साकार हो सके। धन्यवाद।